हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फाइनली इतने टाइम बाद ना आज बारिश हो ही गई, और उस तरफ को तो शिमला में तो ऑब्वियसली बर्फ़ ही पड़ रही होगी। यहाँ पे अभी फ़िलहाल बारिश हो रही है। ये देखो जी, और उस तरफ शिकारी में भी काफ़ी बर्फ़बारी हो रही है। और मैं ना फ़िलहाल आई थी अपने रूम को, क्योंकि मुझे थोड़े बाल सुखाने थे ड्रायर से, क्योंकि ये सूख ही नहीं रहे। मैंने सुबह के धोए हुए, और अभी 11:15 का टाइम तो हो ही गया है, तो फिर कहीं ठंड ना लग जाए इसलिए मैं आई थी ड्रायर से बाल सुखाने के लिए, और साथ ही साथ अपना रूम साफ करने के लिए। ये देखिए क्या हालात है। और गाइस, इतनी ठंड में ना पापा जी को ड्यूटी जाना है, ड्यूटी तो नहीं, उनकी कुछ ट्रेनिंग टाइप है कहीं, तो उन्हें वहाँ के लिए जाना है, तो वो लोग अभी निकल रहे हैं। और इतनी ठंड है बाहर, हमारा तो दरवाजे से बाहर निकलने को मन नहीं कर रहा, उनको पहुँचना अभी पता नहीं कहाँ, और पता नहीं क्या, पता बीच में उनको बर्फ़ भी मिले, फिर पता नहीं गाड़ी क्रॉस होगी नहीं होगी, ये भी अभी कुछ कन्फर्म ही नहीं है, पर यहाँ से तो जाना ही पड़ेगा। तो फिर वैसे तो मैं रूम साफ़ करने आई थी, बट फिर मैं अब सोच रही हूँ कि जब पापा जी निकलेंगे उसके बाद ही करती हूँ बाकी सारा काम, तो पहले उनको टाटा बाय बाय कर लेते हैं। चलो है? पापा जी निकल गए हैं, और अब हम करते हैं थोड़ा बहुत साफ सफाई वाला काम जो रह गया है। और अभी मम्मी गए हैं नहाने, तो आज गाय को मतलब गर्म पानी पिलाना पड़ेगा, इसलिए हम गीजर में ही गर्म कर रहे हैं। और पानी निकालती हूँ गाय को, गौ सेवा भी करनी जरूरी है। तो चलिए हम गाय को पानी पिलाने, इस बाल्टी में गर्म गर्मा गर्म पानी है, क्योंकि बाल्टी फुल थी इसलिए मैंने उठा रही, फिर मम्मी ने बोला कि मैं ही उठा लेती हूँ। तो जी अच्छा लग रहा है आज, क्योंकि बारिश हो गई, साफ साफ लग रहा है, वरना इतनी धूल हुई हुई थी ना, है ना, घास धूल मतलब ऐसे चिपकते थे कपड़ों में हर चीज़, और आज बड़ा ही सुंदर नज़ारा लग रहा है। अब थोड़ा थोड़ा मिक्स करेंगे ठंडा पानी, गरम और ठंडा, फिर पिलाएंगे इनको। निंजू, गाइस दिस इज निंजू। बोलते हैं इससे अच्छी नींद आती है इसको तकिए के नीचे रख के, पता नहीं कितना सच्चा कितना झूठ वो तो। इनको नींद की प्रॉब्लम है, वो निंजू ढूंढे जंगलों में और इसको अपने तकिए के नीचे रखे फिर सोए। अब तो बारिश भी रुक गई यार, पता नहीं इतनी बर्फबारी और बारिश होती होनी। तो आजकल मुझसे झाड़ू लगता नहीं है, तो झाड़ू मम्मी लगाते हैं, बाकी थोड़ा बहुत काम मैं कर लेती हूँ। तो ये बिस्तर वगैरह अपने रूम का तो कर ही सकती हूँ, तो वो कर लेती हूँ। Next morning. Hello guys, good morning. Or it's a rainy morning, not good morning. और बहुत बारिश हो रही है,
कल रात को बहुत जोर, रात को नहीं एक्चुअली सुबह के टाइम 6 बजे बहुत जोर की आवाज़ आ रही थी टक करके, तो मुझे लगा कि ये जो पोल है गया, और उस टाइम पे ना लाइट भी गई। और एक मिनट, अभी मैं भाग रही हूँ, तो मैं आई हूँ अभी गाय को घास डालने। और आज सुबह सुबह ना हम थोड़े लेट ही उठे थे, मतलब मम्मी तो थोड़े पहले उठ गए थे, मैं उठी 8 बजे, और इतनी ठंड थी, इतनी ठंड और गुड़गुड़ हो रही थी, तो हमें लगा बारिश बर्फ कुछ तो हो जाए, तो बारिश तो अभी स्टार्ट हुई, उस टाइम पे तो बारिश नहीं हो रही थी। और थैंकफुली अभी लाइट है, पर मुझे ऐसा लगा था कि रात को जब वो पट्टू हुई ना, रात नहीं उस टाइम ना सुबह के 5-6 बजे थे, तो मुझे लगा कि गए हम कुछ दिनों के लिए लाइट से, क्योंकि मुझे ऐसे ऐसा फील हुआ इतनी ज़ोर की वो हुई कि यहीं पे इस पोल में ही हुई वो, लेकिन बच गए। अभी हम ब्रेकफास्ट बना रहे थे, क्योंकि लेट ही उठे तो आज लेट ही बन रहा है ब्रेकफास्ट भी, और तो मम्मी ना किचन में काम कर रहे थे, तो फिर मैंने सोचा चलो मैं गाय को घास डाल के आती हूँ तब तक। हेलो बच्चों, ठंडी लग रही है इसको, ठंडी लग रही है। हाँ, दे रही हूँ घास। हाय, इनको भी ठंड लग रही होगी, वैसे तो ये गर्म होता है एकदम। तो गाय को घास डल चुका है, अब मैं भी जाती हूँ मम्मी की हेल्प करने किचन की ओर। और कल ना पापा जी भी वापस आ गए थे, क्योंकि रोड बंद थे, वहाँ पे बर्फ पड़ी थी तो आगे जा ही नहीं पाए, तो कल शाम को वो भी वापस आ चुके थे। कैसे भागू? मेरे हस्बैंड अब उठे हैं 10 बजे, उठते ही रील्स में डूब पड़े हैं। चलो परे खाना बनाना है, तुम बोल रहे थे तुम्हें सब कुछ बनाना आता है। तो गाइस आज हम बना रहे हैं माश के बिड़न की रोटियां। लो जी, हमारा ब्रेकफास्ट 10 बजे तो बन रहा है, इतनी ठंड में तो 10 बजे बन रहा है, 11 बजे तक तो बन के खत्म होगा, फिर जाके हम खाएंगे। और मैंने तो थोड़े ब्रेड ब्रुड खा ही लिए हैं। फाइनली बर्फ पड़ने लग गई है यार, पता नहीं फोन में कैप्चर हो भी रहा है कि नहीं। हाँ जी, 2024 की पहली बर्फबारी। हाँ, पिछली देर कर दी आपने आते आते फिर भी आप कम जैसे आए हो। बर्फ तो लगी पर दिखी नहीं, ना टिक रही है ना दिख रही है, बहुत पतली पतली है। पिचू बर्फ रुक चुकी है दोस्तों, अभी ये ऊपर से तो बर्फ आ रही नीचे, लेकिन पानी पहुंच रहा है यार। पर चलो शिमला में पड़ रही होगी घर में, है ना, और आज हम पूरा दिन सोएंगे इसकी आवाज आ रही है, और क्या करेंगे, सोएंगे, खाएंगे, सोएंगे, चाय पियेंगे, उठेंगे थोड़ी देर, फिर डिनर का सोचेंगे, फिर और खाना बनाएंगे, खाएंगे, सोएंगे। और अभी तक लाइट है भगवान की दया से, फिर पता नहीं कब जैसे और चली जाए। हाँ जी, क्या कर रहे थे आप दोनों? बर्फ के मजे यार, मेरा मैंने तो घूमने जाना था कहाँ फंस गया मैं? इसने तो भी बाहर जाना, तुमने ढक्का नहीं उसको, परे इसको इसको हैवी हो गया है उसके ऊपर, टेढ़ा हो गया है। हाँ हाँ, कील टाइट डालो,
तुम्हारी पूंछ, ये जहां को जाते हो वहीं कोई चलता है। पैर नहीं हो रहे तुम्हारे ठंडे? तो कैसे झाड़ा रियो? देखो कहां भाग गया। तोड़ना नहीं, रियो की फर्स्ट स्नोफॉल है गाइस। देखो कैसे लगा हुआ है खेलने, इसको समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। ज्यादा ही बना दे, ज्यादा ही बना दे। वो वाली पहली वाली पंछी पर खा दे। मैं यही ना तू बस तू खा दे ठीक है। चार ही चिल्ला की दूर दे। हाँ कुछ कितने दो साल के बाद देखा है। सुनो सुनो नहीं पागल आ गए लोग ज्यादा जा रहे हैं। मेरा डिसीजन हुआ बढ़िया, दुकान ना जाने। ब्रश हो रहा है 1 बजे दिन के 1 बजे के टाइम ऐसे लगता है टाइम। हाँ तो पानी गर्म नहीं होता, लाइट नहीं होती। लगे ऊपर से मान में वो नहीं हाँ की छत्ता को खोला है अंदर गया मम्मी के करने दो ब्रश मम्मी को, नहीं तो 2 बज जाने, 1 तो बज गया। सब आप अपने बिस्तर में खुश जाओ घर में। अभी बोलो सब्सक्राइब छोटे से बेबी को भी। बाय बाय, प्लीज सब्सक्राइब कर देना। तो गाइज आज का ब्लॉग इतना ही था। मुझे ठंड लग रही है, हमारे लाइट भी नहीं है और पता नहीं ये कब तक आएगा क्योंकि बैटरी की दिक्कत भी है। तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बाय।